पिछले कुछ समय में अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी तनातनी के बाद अब DERC चेयरमैन को नियुक्त करने के मसले पर भी दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का इस मसले पर कहना कि यह दिलचस्प है कि केंद्र सरकार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग पर अपना अधिकार क्यों चाहती है। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति करना दिल्ली सरकार का काम है, बिजली की दरें तय करना दिल्ली सरकार का काम है, इसके बावजूद केंद्र क्या चाहता है, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में दखल देकर वो क्या करेंगे, क्या वह दिल्ली में बिजली की दरें महंगा करना चाहते हैं, क्या वह सब्सिडी बंद करना चाहते हैं, LG को अचानक क्यों लगा कि DERC चेयरमैन की नियुक्ति केंद्र के मुताबिक की जानी चाहिए। पिछले कुछ समय में अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी तनातनी के बाद अब DERC चेयरमैन को नियुक्त करने के मसले पर भी दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का इस मसले पर कहना कि यह दिलचस्प है कि केंद्र सरकार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग पर अपना अधिकार क्यों चाहती है। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति करना दिल्ली सरकार का काम है, बिजली की दरें तय करना दिल्ली सरकार का काम है, इसके बावजूद केंद्र क्या चाहता है, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में दखल देकर वो क्या करेंगे, क्या वह दिल्ली में बिजली की दरें महंगा करना चाहते हैं, क्या वह सब्सिडी बंद करना चाहते हैं। LG को अचानक क्यों लगा कि DERC चेयरमैन की नियुक्ति केंद्र के मुताबिक की जानी चाहिए।